Ne oluyor? Nedir lan? Bu gene live. Evening to all of you. Welcome to the new session of UBBRT live classes. In this session, we will discuss about the environment session. And the section of environment basically related to the terms which are related to geography, some parts of civics also, and some parts of economy also. ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस पे एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ. जो यूपीपीआरटी का बेसिक पार्ट है सिलेबस का, ठीक है ना. हेलो, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. एनवायरमेंट सेक्शन फॉर पीआरटी, यूपी पीआरटी टर्म. अब अगर इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग. इसमें पहला जो टर्म है वो बेसिकली ज्योग्राफी के बारे में है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कुछ पार्ट्स हैं वो बेसिकली एग्जाम में ओरिएंट किए जा सकते हैं. ग्लोब है, रेडियस है, रिवर्स है, मिनरल्स एंड रॉक्स हैं, फॉरेस्ट है, माउंटेन रेंजेस हैं. ठीक है, तो वही मीडियम दोनों रहेगा. तो थोड़ा हिंदी में भी एक बार लिख देता हूँ. नदियाँ,
Para você inclinar. Cresci. Amrindo Kumar, Antônio ये विजिबल है ना, आप लोग को दिख रहा है ना ठीक से, जो लिखा गया है क्लियरली समझ में आ रहा है। ग्लोब, रिवर्स, मिनरल्स एंड रॉक्स, फॉरेस्ट, माउंटेन रेंजेस, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर पार्ट है जो हमारा, ठीक है ना। इसके साथ हम सॉइल्स को भी बेसिकली देख लेंगे, मृदाएं, ठीक है। ये जो पार्ट है वो हमें पढ़ना है, जो ज्योग्राफी सेशन है हमारा यूपीपीआरटी ईवीएस के अंदर, उसमें, ठीक है। अब इसी में अगर हम आगे बेसिकली बढ़ के चलेंगे, तो इसमें जो सेकंड टर्म है हमारा, ठीक है, जो हमें करना है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट की गई है बेसिकली सिलेबस के रिगार्डिंग, कि भाई हमें सिविक्स में बहुत सारी चीजें बेसिकली जो हैं, जो सिविक्स में पूछी जा सकती हैं, और उसी के रिगार्डिंग क्या किया उन्होंने कि सिविक्स वाले पार्ट को केवल एक ही लाइन दे के छोड़ दिया। हाँ, कि एक ही लाइन दे के छोड़ दिया, दिख नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं आएगा इसे, इंक इसमें थोड़ा सा डलवा दो इस वाले विजिबल नहीं है, ठीक है। मतलब अयोध्या जी, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूं मार्कर को, ठीक है। तब तक आप इन थोड़ा सा चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इधर में जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा डार्क मार्कर से लिख देता हूं, ठीक है। इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान ऐसे करके लिख के छोड़ दिया है उन्होंने, कि अब भारतीय संविधान हमें पढ़ना है। अब जो भी आपकी समझ में आए पढ़ लो भारतीय संविधान में, ऐसा करके, मतलब ऐसा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें क्रिएट किया गया है। अब भारतीय संविधान में हमें क्या पढ़ना है, ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना यहाँ पे जरूरी रहेगा, कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग इसको क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, आप सबको ये ध्यान रखना है कि सबसे मेन टर्म जो है कि ईवीएस सेक्शन है 10 मार्क्स का ओनली, तो जब 10 मार्क्स का सेशन है केवल 10 ही मार्क्स का आना है उसमें। अब 10 ही मार्क्स का आना है, तो 10 ही मार्क्स में अगर टॉपिक्स को भी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो टॉपिक्स ही बनते हैं 20, और टॉपिक्स बनते हैं 20, और 20 टॉपिक्स में से अगर मैं 10 क्वेश्चंस को भी मुझे निकाल रहा हूं, तब भी 1 क्वेश्चन पर टॉपिक नहीं आने वाला, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा चीजों को, कोर जो पार्ट है, ठीक है, जो मैं कोर पार्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको मैं बताता जाऊंगा कि ये कोर पार्ट है, और इस कोर पार्ट को आपको क्या करना है, फ्रेम करना है, कि भाई ये कोर पार्ट है, इसको आप फ्रेम करके चलो कि इट इज द ओरिएंटेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उस एग्जामिनेशन की ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, उन टर्म्स को देखना है, ठीक है। उन्हीं को मैं उन्हीं पे बात करूंगा आपसे। अब अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग अगर मैं बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक हैं जो ओरिएंटेड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एग्जाम, ठीक है, तो देन सबसे मेजर जो टर्म्स हैं उनको मैं यहां पर लिख देता हूं,
कि लाइक ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये तो बहुत सारी चीजें पुरानी हो गई हैं, ठीक है, थीके? और इनसे अब क्वेश्चंस बनने का थोड़ा सा फ्रेम जो है वो बहुत ही कम रहता है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते रहेंगे हम लोग। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें कि संसद हमें पढ़ना है, संसद के रिगार्डिंग क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स वाला टॉपिक जो है वो भी हमें पढ़ लेना है, मूल अधिकार, ठीक है। और इसमें से भी हर मूल अधिकार को आप बेसिकली अलग ना पढ़ के, ठीक है, मिक्सअप करके मूल अधिकार पढ़ लेंगे, ठीक है, अलग अलग आर्टिकल्स में उसको डिवाइड नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ्रेम इसको करते चले आप कि मूल अधिकार वाला टर्म्स है, ठीक है। इसको जरा हटा देना एक बार, इसको हटाओ, मुझे दिखता रहेगा। अच्छा ये फ्रेम हो रहा है इधर पे, इस वाले टर्म पे देख रहा है ना, ठीक है, चलो फिर कोई नहीं। ठीक है, अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट बेसिकली इंक्लूड हो जाएगा और इसी से रिलेटेड है एक जो इनर टॉपिक है जो बहुत जरूरी है एवरी एग्जाम के लिए, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है, तो पंचायत के फ्रेम को थोड़ा सा आप इसको देखो, पंचायत एवं म्युनिसिपैलिटीज मतलब नगर पालिका बोलते हैं इसको, ठीक है। पंचायत जो है वो रूरल लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है और म्युनिसिपैलिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस से कोरिलेटेड है, ठीक है ना। आगे इसी में एक दो टॉपिक्स को और फ्रेम करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा जुडिशरी का जो पार्ट है वो भी देखेंगे ओरल टर्म में, न्यायपालिका थोड़ा सा फ्रेम करेंगे इसी, इसको भी, न्यायपालिका को भी। और न्यायपालिका के बाद एक जो टर्म है उसको मैं ऐसे आइडेंटिफाई करता हूं कि सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पद तथा संस्थाएं या निकाय, ठीक है, इसमें भी कुछ टर्म्स को हम क्या करेंगे, इलेबोरेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये वाला पार्ट विजिबल है ना, दिख रहा है ना आपको, प्रॉब्लम तो नहीं है ना कोई इधर, ठीक है। फिर अब इसको आप क्या कहते हैं, मतलब लिख लो एक बार टर्म्स को आपके दिमाग में। देखो सबसे मेन टर्म ये है कि एग्जाम ओरिएंटेशन प्रिपरेशन जो है हमारा वो एग्जाम ओरिएंटेड तभी हो पाएगा जब आपके दिमाग में दो चीजें क्लियर हो बिल्कुल। पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ एग्जाम, और दूसरा चीज ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब यस आई विल इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। अब इसमें टर्म ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले तो एग्जाम का हमारा पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है, उसको जानकारी उसकी जरूर होनी चाहिए, ठीक है, जो भी कैंडिडेट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा टर्म उसे ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ क्वेश्चन। अब दोनों टर्म्स को लेकर चलो कि पार्लियामेंट, मुझे पार्लियामेंट सेशन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी आएगा, पार्लियामेंट सेशन यूपी पीआरटी के पेपर में भी आता है,
केवीएस एग्जाम में भी आते हैं, सीटीईटी में भी आते हैं, ठीक है, अपर लेवल एग्जाम में भी आते हैं, सीपीएफ है, सीडीएस है, या फिर यूपीएससी के एग्जाम में भी पार्लियामेंट आता है। पार्लियामेंट हर जगह पे सेम है, लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड और व्हाट टू स्टडी अबाउट पार्लियामेंट, कि हमें संसद में इस एग्जाम के ओरिएंटेड पढ़ना क्या है, वो यहां पर जरूरी है, ठीक है। तो ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट पार्लियामेंट ये हमारे काम का विषय नहीं है। हमारे काम का विषय है यहां पर क्या, केवल हमारे काम का विषय केवल इतना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ आर एग्जामिनेशन, ठीक है, कि हमारा जो बेसिकली जो हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के हिसाब से संसद में मुझे क्या पढ़ना है, ठीक है। और इन टर्म्स को अगर आप क्लैरिटी करके चलेंगे तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रेटजी वाइज होगा, ठीक है, रणनीति बतौर होगा, ठीक है। और बर्रा तो वही है कि हम ज्ञान का अर्जन तो कर रहे हैं, बेसिकली नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसमें नॉलेज का कोई मैं मतलब ऐसा नहीं हूं कि नॉलेज गेन करने को बहुत बड़ा मतलब क्रिटिसाइज कर रहा हूं ये सारे टर्म्स, लेकिन अभी आपका फोकस एग्जामिनेशन पर है, तो नॉलेज गेन करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है बेसिकली। अभी आप एग्जाम ओरिएंटेड टर्म्स को पढ़ो, एग्जाम ओरिएंटेड टर्म्स को गेन करो, और वही एग्जाम ओरिएंटेड टर्म्स जो है उनको एग्जाम में आप क्या करो, अप्लाई करो, और आउटकम आपके सामने एक पॉजिटिव रिजल्ट के रूप में आएगा। आप यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोर्सेज पर डिपेंड रहे, नॉलेज ही गेन करते रहे सब तरफ की, तो आपके पास कंटेंट तो होगा बहुत सारा, लेकिन जब आप स्ट्रेटजी वाइज आएगी तो आप फंसोगे उसमें, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करोगे, और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने का फायदा क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा तो होने वाला नहीं है उसमें। उसमें आपके एग्जाम के जो बेसिकली आपका ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी आपकी क्या रहेगी, पुअर रहेगी, ठीक है। तो इन टर्म्स को आप करते हैं इसमें। तो ये आपका एनवायरमेंट सेक्शन है यूपी पीआरटी का, जिसमें हम लोग डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ ज्योग्राफी सेशन पूरा का पूरा, और उसके बाद जो भी हमारा टर्म है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है ना। तो आज मैं आपके साथ क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा सा जो फ्रेम है उसको डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। और पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स जो है उनको टर्म्स को आप क्या करो, बेसिकली इलेबोरेट करते चलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आज हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने सिलेबस ये नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है ना, ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। ठीक है, देखिए आप लोग, अब यहां पर हम लोग आगे की ओर मूव कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा टर्म है जिसपे मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, तो वो पहला टर्म क्या है हमारा, संसद है, ठीक है। तो देखो संसद को, हाँ, हिस्ट्री का पार्ट आएगा, उसमें भी क्या है कि थोड़ा सा सोशल रिफॉर्म वाला पार्ट है हिस्ट्री में, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन जो है वही आएगा हिस्ट्री में। ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि हिस्ट्री में उस वाले टर्म को इलेबोरेट किया जा रहा है कि एंशियंट अलग पढ़ना है, मॉडर्न अलग पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री अलग पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हिस्ट्री वाले पार्ट में केवल सोशल रिफॉर्म वाला एक टॉपिक है वो आपको करा दिया जाएगा, ठीक है, उसी में भी वो एड डाउन हो जाएगा। अब देखो, अब संसद की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला आप इस टर्म को समझेंगे कि किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए, ठीक है, किसी भी कंट्री में एक, जैसे हम मान लो एक, आप ऐसे लेके चलो इस टर्म को कि मुझे क्या करना है, मुझे एक पर्टिकुलर एक कंट्री है
या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली को ही ले लो, एक बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके चलो आप। तो इनिशियल लेवल के लिए मुझे फैमिली को क्या करना है, रन करना है। तो सबसे पहले तो टर्म आप इतना लेके चलेंगे कि उस फैमिली को रन करने के लिए कौन कौन से टर्म्स की जरूरत होगी। जैसे मैं रेगुलेटिंग बॉडी की अगर बात करूं, ठीक है, और रेगुलेटिंग बॉडी के अंतर्गत अगर हम लोग देख रहे हैं तो रेगुलेटिंग बॉडी में क्या है कि भाई फैमिली को चलाने के लिए कौन कौन से बेसिक क्या होंगे, लॉज होंगे। अब लॉज का मतलब ऐसा नहीं कि लिखित कोई वैसे कोई कानून उसमें ऐड किए जा रहे हैं, मतलब एक फ्रेम होता है ना कि इस टाइप से फैमिली को रन करना है मुझे। अब रन करने वाला क्या है कि वो मैंने पहला एक डिस्कशन बना लिया उसमें, और उसके बाद क्या किया, उन जो भी मैंने फ्रेम बनाया है कि कैसे रन करना है उसको अप्लाई करने के लिए भी क्या है, एक पर्टिकुलर बॉडी चुन ली मैंने, ठीक है, और उसको फ्रेम कर लिया। और तीसरा टर्म क्या है कि अगर डिस्प्यूट होता है लॉज बनाने वाले में और लॉ को अप्लाई करने वाले में, तो फिर कौन उनकी सुनेगा, डिस्प्यूट को सेटल कौन करेगा, तो उसके लिए एक अलग बॉडी हो गई, ठीक है ना। अब केवीएस और यूपीपीआरटी में सिमिलरिटी हो गया, केवीएस यूपीपीआरटी में थोड़ी सी सिमिलरिटी है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। अब इसमें जैसे आप मान लो कि किसी भी कोई भी स्टेट है, स्टेट मतलब यहां पर यूनिवर्सल स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, राज्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। जैसे भारत एक राज्य है, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में जो चीजें हैं उसमें क्या किया गया कि भारत के संविधान ने भारत के राज्य से संबंधित तीन पर्टिकुलर जो बॉडीज हैं उनको इलेबोरेट किए हैं। और वो तीन पर्टिकुलर बॉडीज बेसिकली है, एक पहला बॉडी है जिसको हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायिका, और अगर विधायिका की बात की जाए तो विधायिका का काम वही है जो हमने अभी फैमिली के रिस्पेक्ट में डेवलप किया था, टू मेक लॉ। भारत राज्य है एक, और भारत राज्य के लिए कानून बनाना है या कोई नीति बनानी है, ठीक है, पॉलिसी बनानी है, तो वो नीति पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी होगी, ठीक है, नीति बनाने वाला या फिर कानून बनाने वाली जो संस्था होगी बेसिकली वो क्या होगी, उसको हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। अब दूसरा, लेजिस्लेटिव ने तो केवल लॉ बनाया, अब इस लॉ को लागू कौन करेगा, तो लेजिस्लेटिव बॉडीज के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उनको लागू करने वाला बॉडी जो होता है, जो उसको ऑन ग्राउंड लाता है, उस बॉडी को बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, इंप्लीमेंट लॉ, जो भी लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस लॉ को क्या करेगी, क्रियान्वित करेगी, जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाए हैं, ठीक है। अब तीसरा जो बॉडी है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का एक सीधा सीधा काम क्या है, सबसे पहला तो वही बात है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी मैंने नाम रख दिया कि विवादों का निपटारा करेगी, तो विवादों का निपटारा करेगी ये बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद को सॉल्व करने का टर्म किसके पास है, जुडिशरी वो काम को करेगी, ठीक है ना। दूसरी बात, अब अगर मान लो कि जैसे हम अथॉरिटेटिव बॉडीज की बात करें कि लेजिस्लेटिव कोई लॉ ऐसा बना रही है जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए क्या पहुंचाता है, फायदा पहुंचा रहा है, किसी दूसरे पर्टिकुलर सेक्शन के लिए नुकसान पहुंचा रहा है, या फिर जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लॉ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उस लॉ के इंप्लीमेंटेशन में कुछ पार्शियलिटी हो रही है, ठीक है, कुछ विभेद हो रहा है, तो इन सारी चीज में बात आती है किसकी, कि एज ए ह्यूमन हमारे संविधान ने हमें क्या दिए हैं, कुछ राइट्स दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं, ठीक है, एज ए सिटीजन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, या फिर एज ए इंडियन सिटीजन, ठीक है, भारत का नागरिक हूं अगर मैं, तो भारत का नागरिक होने के नाते मेरे पास कुछ अधिकार हैं, तो उन अधिकारों को अगर कोई मुझे अधिकार छीन रहा है, ठीक है, तो अधिकार छीनने के टर्म में क्या है कि कोई मेरे अधिकार अगर छीनेगा तो उस अधिकार को प्रोटेक्ट कौन करेगा,
राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है तब भी कौन आता है? जुडिशियरी बॉडी तब भी ऐड होती है, ठीक है। तो जुडिशियरी जो है न्यायपालिका, उसको हम बोल सकते हैं कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, विवादों का निपटारा करती है, ठीक है। और जितने भी राइट्स हैं, सारे राइट्स को, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी राइट्स दिए हैं सिटीजन्स को, ठीक है, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाली बॉडी भी कौन सी है? न्यायपालिका है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम पहला टर्म जो मैंने आपके सामने लिया है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट क्या है? एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब भारत में जो लेजिस्लेटिव है वो बेसिकली दो स्टेजेस पर लेजिस्लेटिव है, ठीक है, दो स्तरों पर विधायिका है। दो स्तरों पर विधायिका का मतलब क्या हुआ? मान लो पूरे भारत के लिए, एज इंडिया की हम लोग बात कर रहे हैं, को पूरे भारत में एक कॉमन लॉ बनाना है जो पूरे भारत में क्या होगा? इक्वली लागू होगा। अब इस लॉ को बनाने के लिए जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसको हम बोलते हैं यूनियन लेजिस्लेटिव, यूनियन लेजिस्लेटिव, केंद्रीय या संघीय, ठीक है, विधायिका, ठीक है, केंद्रीय विधायिका या संघीय विधायिका। अब केंद्रीय विधायिका के द्वारा जो भी लॉज बनाए जाते हैं जो कि पार्लियामेंट है, वो पूरे भारत पर लागू होते हैं। दूसरी बात, भारत में क्या है कि भारत राज्य को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उन यूनिट्स को हम एज ए पर्टिकुलर, अगर मैं यूनिवर्सल स्टेट की बात करूं, तो भारत राज्य है और उसके अंदर आने वाले जो छोटे यूनिट्स हैं उनको भी हम राज्य बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, ये सारे के सारे क्या हैं? यूनिट्स हैं भारत की। अब मान लो कोई लॉ ऐसा है जो केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही बनाया जाना है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बनाया जाने वाला लॉ जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधायिका होगा उसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा। तो यहां पर टर्म्स क्या है कि स्टेट वाइज स्टेट, यूनिट वाइज यूनिट, लेजिस्लेटिव बॉडी अलग है जो उसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए लॉ बनाने का काम करती है। और पूरे भारत में अगर लॉ मेकिंग की बात आती है तो फिर जो हमारा यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी है जिसको हम पार्लियामेंट बोल रहे हैं, वो उस लॉ को क्या करती है? एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है ना। ये टर्म्स हैं। आगे की ओर हम यहां पर देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है हमारा उसका टर्म क्या है, ये आपने उधार लेना, उसको समझ लो एक बार, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। बिल्कुल, यूनियन लेजिस्लेटिव ही, मैं दोबारा इसको बताऊंगा जब ये पार्लियामेंट यूनियन लेजिस्लेटिव ही है, इसको पूरा तरह से ब्रीफ करूंगा मैं। देखो पार्लियामेंट पे हम आते हैं, तो पार्लियामेंट क्या है? जैसे हमने अभी बताया
अभी हमने बात की इस बारे में कि पार्लियामेंट जो है वो यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी है, यूनियन लेजिस्लेटिव, ठीक है, संघीय विधायिका, इसको सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी में, ठीक है, जुडिशरी भी आएगा, ठीक है। मेघा जी, मैं थोड़ा सा बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा इसको। जुडिशरी मुझे ब्रीफ में पढ़ाना है आपको, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशरी भी, पार्लियामेंट भी, बस लेजिस्लेटिव, बस सारी चीजें हमें ब्रीफ में पढ़नी है, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी आपकी बहुत इजीली, ठीक है। वो एक बेसिक टर्म था जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन टाइप की बॉडीज हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव का मतलब जो काम है, बेसिकली फंक्शन है, वो है लॉ मेकिंग। ये एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो लॉ मेकिंग की गई है किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव के द्वारा, उस लॉ को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। थर्ड टर्म क्या था हमारा, थर्ड टर्म उसमें मैंने उसमें ऐड किया था जुडिशरी। तो जुडिशरी का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों बॉडीज के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉल्व आउट कौन करेगा, तो जुडिशरी करेगी। सेकेंड टर्म क्या था इसमें कि जो भी राइट्स हैं, ह्यूमन के राइट्स, या एज ए सिटीजन जो भी राइट्स हैं, नागरिक होने के नाते जो हमारे अधिकार हैं, उन नागरिक अधिकारों को प्रोटेक्ट कौन करेगा। तो नागरिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की जब बात आती है तो प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया है, प्रोटेक्शन के लिए भी हमारे पास एक बॉडी है कि जैसे मान लो हमारे मूल अधिकार हैं, तो मूल अधिकार हमें भारत के संविधान के द्वारा दिए गए हैं। अब मान लो संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिससे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के मूल अधिकार का या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता हो, अब बनाया है वो किसने, संसद ने, लागू किया है उसके सरकार ने, तो सरकार के विरोध में हमारी कौन सुनेगा। या अगर सरकार कोई ऐसा काम करे जो संविधान के विरोध में है, या फिर सरकार एक निरंकुशता की तरह व्यवहार कर रही है, निरंकुश सरकार की तरह व्यवहार कर रही है, जिस पर कोई अथॉरिटेटिव बॉडी नहीं है, तो उसको रोकने के लिए मैं क्या करूंगा, किसके पास जाऊंगा, तब आता है कि मैं, न्यायालय है मेरे पास, ठीक है। ये टर्म्स हैं। रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, तो रूल ऑफ लॉ जो टर्म है वो बेसिकली लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कानून का शासन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको विधि का शासन बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब विधि का शासन, ठीक है। ओके, तो ये यूनियन लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट हमारी। अब भारत का जो संविधान है हमारे, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये बेसिकली डिस्क्राइब किया गया है कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके थ्री पार्ट्स हैं। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। अनुच्छेद 179 के अनुसार भारतीय संविधान के तीन भाग हैं। अब जो पहला भाग है भारतीय संविधान का, वो है हाउस ऑफ पीपल, दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट, और तीसरा है प्रेसिडेंट। तो देयर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79 के अनुसार। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत के संविधान के तीन भाग हैं। पहला हाउस ऑफ पीपल, इसको हम बोलते हैं लोकसभा। दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा, और तीसरा है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट मींस क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। सर एक्सप्लेन इट अगेन, व्हाट एक्सप्लेन, श्रेया जी बताइए जरा मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला हमें पता चल गया कि इसमें आता है कि बेसिकली हम संसद के बारे में दो ही चीजें याद रख के चलते हैं, कि अगर मुझसे पूछा गया संसद के भाग कौन से, तो झट से मैंने बता दिया लोकसभा, राज्यसभा।
उसमें राष्ट्रपति भी दिया होता है कि राष्ट्रपति है या नहीं है, तो राष्ट्रपति नहीं लगाते हम बेसिकली, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि राष्ट्रपति भी संसद का क्या है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड पार्ट है जिसको हम अलग रख के नहीं पढ़ सकते। और इसका वेरिफिकेशन भी मैंने कर दिया कि कहां दिया है भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में दिया है, 79 में, ठीक है। क्या दिया है 79 में? 79 में दिया हुआ है कि देयर आर द थ्री पार्ट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, एंड फर्स्ट पार्ट इज हाउस ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड लोकसभा, लोकसभा बोलेंगे इसे, सेकंड इज काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज कॉल्ड राज्यसभा, और थर्ड है प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति इसको बेसिकली बोलेंगे, ठीक है ना। अब इन तीनों ही टर्म्स को अलग अलग हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करते कि भाई लोकसभा क्या है, लोकसभा का टेन्योर कितना, व्हाट इज द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, हु आर द प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। उसके बाद उसी फ्रेम को जाएंगे किधर, राज्यसभा की तरफ, फिर थोड़ा हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। ये तो आते हैं हम लोग की लोकसभा पर, हाउस ऑफ पीपल क्या है, देखो लोकसभा के बारे में एक दो बातें करेंगे हम लोग कि लोकसभा जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इस बात को भी पूछा जाता है कि भाई संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन, तो लोकसभा को कहते हैं। और सेकेंड टर्म क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसे क्या बोलेंगे हम, संसद का पॉपुलर हाउस का मतलब क्या हुआ, लोकप्रिय सदन भी कहेंगे इसे। ठीक है, लोकप्रिय सदन भी इसको बोलेंगे। और थोड़ा सा इसी टर्म को लेके चलते हैं हम लोग कि लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट क्यों बोला जाता है लोकसभा को, तो थोड़ा इसको समझेंगे, ठीक है। एक दो बातें जो है चीजें, तो वो सारी चीजें नोट डाउन करने के बाद एक बार आप दिमाग में रख लो, क्यों कहा जाता है संसद को निम्न सदन, ये हमारे माइंडसेट में होना चाहिए बस, केवल एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, तो आप इसको समझो बेसिकली, जरूरी है ये चीजें, ठीक है ना। अब लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट निम्न सदन क्यों कहा जाता है, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा इज नॉट द परमानेंट हाउस एंड इट कैन बी डिसॉल्व इन केस ऑफ लैक ऑफ मेजोरिटी एनी टाइम। संसद जो है वो, संसद का ये जो पार्ट है लोकसभा, वो स्थायी सदन नहीं है। स्थायी सदन नहीं होने का मतलब क्या है कि बहुमत कम होने की दशा में लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, तो कभी भी भंग किया जा सकता है, तो इसका मतलब क्या, स्टेबिलिटी इसकी क्या है, डिपेंड कर रही है मेजोरिटी पर, बहुमत पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन उसे इसीलिए बना दिया गया क्योंकि वो स्टेबल हाउस है और नेवर बी डिसॉल्व, वो कभी डिसॉल्व भी नहीं होता राज्यसभा जो है, ठीक है। क्यों नहीं होता वो सारी चीजें हम बात करेंगे। दूसरा टर्म यह है कि लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है,
तो लोकप्रिय सदन क्यों कहा जाता है? उसके पीछे का रीजन यह है कि लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन इसीलिए कहते हैं कि लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, मतलब जनता उनको सीधे सीधे वोट डालकर चुनती है, इसीलिए ये पॉपुलर हाउस है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बोला कि हाउस ऑफ पीपल लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द पॉपुलर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिकॉज द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। ठीक है, सामान्य लोगों के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, इसीलिए संसद का लोकप्रिय सदन है कौन? लोकसभा। ठीक है, अगली बात। अब यहां पर चीजें आती हैं कि भाई संसद में जब हम मेंबरशिप की बात करते हैं कि संसद में मेंबरशिप क्या है, लोकसभा में कितने मेंबर हैं। ठीक है, तो लोकसभा में मेंबरशिप को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके ओके। तो यहां पर क्या है कि अगर लोकसभा में सदस्य संख्या की बात की जाए, मेंबरशिप, ठीक है, या फिर सदस्यों की बात की जाए, या फिर स्ट्रेंथ की बात की जाए, ठीक है, तो लोकसभा में सदस्य संख्या जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स, उसको भी हम दो पार्ट्स में इलेबोरेट करेंगे कि पहला तो ये है कि हाउ मेनी मैक्सिमम मेंबर्स और व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं और लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहां पर अधिकतम सदस्यों की हमने बात कर ली। ठीक है, अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं, 552, और इन 552 सदस्यों में से 550 सदस्य ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड का मतलब निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे जो। और दो मेंबर्स ऐसे होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे। नॉमिनेटेड का मतलब क्या हुआ, मनोनीत होंगे दो सदस्य। ठीक है ना, अब नॉमिनेटेड होंगे तो इसमें आगे ऐड भी कर सकते हैं आप कि नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो यहां पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि हु नॉमिनेट्स द मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत कौन करते हैं। तो हम आंसर देंगे इसका कि राष्ट्रपति करता है। दूसरा टर्म क्या है कि हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड इन लोकसभा, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, दो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कौन होते हैं मनोनीत, उनको भी हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि कौन मनोनीत होंगे। बेसिकली अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो प्रेजेंट स्टेटस में ये है कि लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं करंट में, और इन 545 मेंबर्स में से 543 मेंबर्स ऐसे हैं जो इलेक्टेड हैं, और दो मेंबर्स ऐसे हैं, एज द बेसिक फ्रेम वी कैन से दैट दिस टू मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये जो दो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, मनोनीत हैं। ठीक है, इसको जरा लिखिए अब।
तबीयत यार बहुत खराब। हो गया ये, इधर आते हैं अब। अब यहां पर टर्म हमारा बनता है, हमें पता चल गया कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है किसको, लोकसभा में दो सदस्यों को। अब यहां पर टर्म होता है कि राष्ट्रपति क्या किसी को भी मनोनीत कर देता है, या फिर कोई उसका आधार भी है मनोनयन का। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि सड़क से उठा के किसी को भी मनोनीत कर दिया, अपने रिश्तेदारों को मनोनीत कर दिया। ठीक है, तो यहां पर टर्म्स आता है कि मनोनयन का आधार क्या है, राष्ट्रपति किसको मनोनीत करेगा। ये संवैधानिक टर्म है हमारा, कि संविधान ने दिया है कि प्रेसिडेंट का बेस क्या होगा नॉमिनेशन का, राष्ट्रपति को क्या है मनोनीत करने का आधार क्या है। तो राष्ट्रपति मनोनीत किसे करेगा, तो यहां पर क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय, ठीक है, या आंग्ल भारतीय को नॉमिनेट करेगा फॉर द मेंबरशिप ऑफ, फॉर द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। अब यहां पर कोई मुझे ये बताएगा कि मतलब एंग्लो इंडियन कौन होता है। अगर मैं ऐसे एक ब्रीफ में अगर आपसे पूछना चाहूं कि थोड़ा सा मुझे टर्म्स को अगर इलेबोरेट करना हो, आपको आपको बताना हो, तो आप क्या बताओगे मुझे कि आंग्ल भारतीय कौन होता है, होल्डिंग टॉप मोस्ट पोजिशन इन जुडिशियरी। बताओ जरा, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी लाइक कौन, सेलिब्रिटी जो सेलिब्रिटी कौन होता है जरा ये बता दो मुझे। बेस ऑफ नॉमिनेशन ही बता रहा हूं कि नॉमिनेशन का आधार क्या होगा, वही एंग्लो इंडियन लिखा हुआ है सामने कि एंग्लो इंडियन को ही नॉमिनेट करता है। मैं आपसे पूछ, सेवन सिस्टर्स, ठीक है, सेवन सिस्टर्स का क्या मतलब है, ऐसे लोग पेरेंट्स में कोई फॉरेन सिटीजन, फॉरेन सिटीजन, अच्छा रिनू साहू, ऐसे लोग जो उसे भारतीय नहीं है इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ आए हैं, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अगर कोई अफ्रीका से आया हो तो चलेगा, हो जाएगा एंग्लो इंडियन वो भी। हाँ, हिमानी ने बताया कि पेरेंट्स में कोई एक फॉरेन सिटीजन हो, तो फॉरेन सिटीजन का मतलब भारत से बाहर जितने भी देश हैं सभी देशों में से कोई भी, या फिर कोई क्राइटेरिया भी डिसाइड किया है यहाँ पर इन लोगों ने, वो अंग्रेज जो भारत में बस गए, अंग्रेज मतलब ब्रिटिश भारत में बस गए, अच्छा वो एंग्लो इंडियन हो गए। ठीक है, आगे की ओर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में कि कौन होता है एंग्लो इंडियन। जो अब एक बार इसको समझ लो और उसके बाद दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए कि आंग्ल भारतीय जो है वो बेसिकली है तो है कौन ही है। ठीक है, यूरोपियन, अच्छा यूरोपियन इंग्लिश लोग, ठीक है चलो अब आ जाते हैं। हु गेट सम फेमस पोजिशन, फेमस पोजिशन ये तो थोड़ा अजीबो गरीब आंसर है यार। ठीक है, फेमस पोजिशंस का तो मतलब यहां पर बनता नहीं है। ठीक है, फेमस पोजिशंस वाले लोग तो राज्यसभा में आ गए। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको ऐसे समझो आप कि ये कोई व्यक्ति है, ये
और ये क्या है, ये भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है ये। पहला टर्म तो ये हुआ कि ऐसा कोई भी पर्सन जो भारत का नागरिक है, इंडियन सिटीजन, और भारतीय नागरिक लिख देते हैं इसको हिंदी में भी, कि ये भारतीय नागरिक हो गया। और इस भारतीय नागरिक के अब रूट क्या होगा इसका, मतलब बेसिकली वही है, मतलब खजूर वाला हिसाब किताब तो नहीं है ना यहाँ पे, यहाँ पर एक सिंपल सा टर्म है। हाँ, पेरेंट्स में से एक इंडियन हो और एक अदर कंट्री का हो। अदर कंट्री वही वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि रीता ने लिखा है इंडियन एंड ब्रिटिश ब्रीड, इंटरेस्टिंग। पेरेंट्स में एक इंडियन हो और एक अदर कंट्री का हो, अदर कंट्री मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, चलेगा? नहीं चलेगा ये, ठीक है। चलो इधर आओ आप लोग, अब इधर समझ ही लो, छोड़ो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली चीज है। ये कोई पर्सन है, ये दिख रहा है ना आपको, ये एक व्यक्ति दिख रहा है, ह्यूमन की तरह ही है ये भी, ठीक है। अब ये इस व्यक्ति की अगर बात करें हम लोग, तो ये व्यक्ति क्या है, भारतीय नागरिक है, और इस व्यक्ति का पिता, ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली खड़ूस भी हो सकता है ये, इस व्यक्ति का जो पिता है बेसिकली वो क्या हो, यूरोपियन सिटीजन हो, और इसकी मदर जो है बेसिकली, अगर मदर को यहां पे रेटिफाई किया जाए, वो कौन हो, वो इंडियन सिटीजन हो, भारतीय नागरिक हो, ठीक है, पिता यूरोपीय नागरिक, माता भारतीय नागरिक, ठीक है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, यूरोपीय नागरिक, और ये भारतीय नागरिक, ठीक है। तो इन दोनों का बेसिकली जो रिजल्ट है वो क्या कहलाएगा, वो ये कहलाएगा, एंग्लो इंडियन कहलाएगा, आंग्ल भारतीय कहलाएगा, ठीक है, आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय का ये टर्म हो गया। तो अभी वर्तमान में दो आंग्ल भारतीय हैं, जॉर्ज बेकर लोकसभा में, और दूसरे आंग्ल भारतीय हैं रिचर्ड हे, ठीक है, रिचर्ड हे। ये नाम है, ठीक है, जॉर्ज बेकर लिखेंगे ऐसे इधर, और रिचर्ड है। इनके टर्म्स को आप इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है बेसिकली इनके बारे में आप ये बोल सकते हो कि ये बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल, और ये जो है वो केरला, केरल से है। नाम भी आपको पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि कौन होता है एंग्लो इंडियन।
एंग्लो इंडियन बोटिंग में भाग लेंगे? नहीं लेंगे। केरला एंड बंगाल, ठीक है ठीक है। सरिता ने पूछा सर नेम इज नॉट क्लियर। नेम इज नॉट क्लियर मतलब जॉर्ज बेकर लिखा हुआ है सब सब जी ई ओ आर जी ई पी ए के ई आर, ठीक है जॉर्ज बेकर। और दूसरा क्या है? रिचर्ड हे। एक है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से, ठीक है इधर लिख लो, ऐसे लिख देता हूं इसको। हाँ जॉर्ज बेकर और दूसरे रिचर्ड हे। ऐसे लिख लो बेकर चमेली मेमसा। देखो अब आते हैं लोकसभा की, हम लोगों ने बात कर ली यहां तक, मेंबर्स तक बात कर ली। अब टर्म ये है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए बेसिकली क्वालिफिकेशन की बात की जाए, चलो क्वालिफिकेशन ही लिख लेते हैं इसको, योग्यता ना बोलकर अगर हम अर्हता बोलते हैं, या फिर और भी टर्म्स क्या कि योग्यता क्या है, कौन बन सकता है क्या, ठीक है बेसिकली लोकसभा का मेंबर, ठीक एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम ब्रॉन्चाइटिस, ठीक है तो थोड़ा सा सांस लेने में एक्चुअली प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा खांसी भी है, ठीक है इसीलिए थोड़ा सा मतलब टर्म्स स्लो है। कभी कभी ये होता है कि थोड़ी सी चीजें बाउंस भी करती हैं बच्चों को, तो थोड़ा सा कम हमें रखना पड़ता है, ठीक है क्योंकि सारे लोग आप लोगों की तरह फास्ट लर्नर तो नहीं हो सकते ना। जैसे अभी दो निकल के आए हैं जो मे भी मुझे लगता है कि वेरी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मनी और सेकंड कौन है योगेश सोखल, ठीक है फास्ट लर्नर्स हो आप, ठीक है तो लाइक क्लास का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि स्लो मीडियम एंड फास्ट, ठीक है वो उनको तीनों को लेके चलना। हाँ ये मैं आपको बेसिकली नोट्स वगैरह भी इसमें आपको मिलते रहेंगे। योग्यताओं की बात करें तो सबसे पहले क्या है एज को हम देख लेते हैं, तो मिनिमम एज जो है मिनिमम कितना होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए? 25 इयर्स एज होनी चाहिए, ठीक है 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, और 25 वर्ष आयु होनी चाहिए भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है मेंटली अनसाउंड ना हो। मेंटली अनसाउंड का यहां पर मतलब क्या हुआ? विकृत चित्त ना हो, पागल जिसको बोलते हैं, ठीक है इंसॉल्वेंट ना हो, इसको
इसको नॉट वी मेंटली अनसाउंड, इसको ऐसे भी ऐसे ऐड करते चलो। शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट, ठीक है, शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। ठीक है, नॉट बी इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति जो है दिवालिया ना हो, ठीक है, पर्सन शुड नॉट होल्ड, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। व्यक्ति लाभ का पद धारण न करता हो, ठीक है, ये योग्यताएं हो गई उसकी कि कौन बन सकता है। ठीक है ना, आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप एज क्राइटेरिया याद रखेंगे, बाकी चीजें तो सबको पता ही होगा। इंसॉल्वेंट दिवालिया का मतलब वही होता है कि जिसकी देयताएं ज्यादा हो और उसकी संपत्ति परिसंपत्ति वगैरह क्या हो, कम हो। और सरकार मतलब लाभ के पद का मतलब है कि कोई भी ऐसा पोस्ट जिस पोस्ट के लिए हमें सैलरी या कोई अलाउंस मिलता है, कोई वेतन या कुछ भत्ता मिल रहा है, उस पोस्ट पर कोई व्यक्ति ना हो, ठीक है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे, रिजाइन देना पड़ेगा, ये भी हम मान सकते हैं। अगला टर्म आता है कि इलेक्शन निर्वाचन कैसे होगा। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन पहला तो यही है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो डायरेक्ट होता है। तो पहला टर्म ये कि निर्वाचन जो निर्वाचन है वो कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट इज, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसमें जो हमारा इलेक्शन मेथड है या वोटिंग मेथड है बेसिकली, वो कौन सा है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इस मेथड को फॉलो किया जाता है लोकसभा के इलेक्शन। एनी क्वेरी फेस टू फेस वी कैन व्हाइल अटेंडिंग द क्लास, दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू। अच्छा, ये मतलब यूट्यूब के जो कमेंट्स है वो विजिबल नहीं है ना? नहीं, उस पे जो देख रहा है उसके लिए नहीं आएंगे ना?
हो गया क्या? अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पर मैं इलेक्शन का प्रोसीजर आपको बताया था कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा की सदस्यों का। और दूसरा टर्म क्या है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को मैंने मतलब भी बता दिया कि 1% के वोट का वैल्यू कितना, एक 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 पर्सन एक वोट, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये टर्म्स होंगे इसमें। आगे क्या है, इलेक्शन की हमने बात कर ली, मेंबर्स कितने हैं ये बात कर ली, क्वालिफिकेशन क्या है ये भी बात कर ली हमने, ठीक है। अब टर्म्स ये आता है कि जो लोकसभा है, तो लोकसभा के जो भी सेशंस वगैरह होते हैं उसको प्रिसाइड कौन करता है, तो यहां पर सवाल आता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष या कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, जो उसकी संसद की सभी कार्यवाही को, लोकसभा के सेशंस को कौन रेगुलेट करता है। तो संसद में बेसिकली क्या है, संसद में बेसिकली दो कार्यकारी अधिकारी, डिप्टी स्पीकर, ये हो जाएगा उपाध्यक्ष, ठीक है, ब्लूर हो रहे क्या? करो शुरू। लेकिन वंस अगेन द कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण मुश्किल था, ठीक है, वो मैंने केवल नाम ही लिखा है सरदा जी ओनली, ठीक है। हाँ ठीक है। अगला टर्म है हमारा राज्यसभा, ठीक है, और राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में चीजों को अगर आपको इलेबोरेट करना, तो राज्यसभा के लिए वही कि राज्यसभा है जो उसको बोलते हैं क्या, अपर हाउस, ठीक है। लोकसभा का टेन्योर मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं अभी राज्यसभा के साथ ही उसको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसे अपर हाउस बोलते हैं, उच्च सदन बोलेंगे इसे, और उच्च सदन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कभी
31 स्टार्टिंग में तो 55 60 तक चला गया था रेशियो। ठीक है, अपर हाउस बोलेंगे इसको, और अपर हाउस इसीलिए बोला जाता है इसे क्योंकि स्टेबल हाउस है ये। ठीक है, संसद का स्थायी सदन है, ठीक है, ये टर्म्स हैं। अब इसी में अगर मेंबर्स की बात करूं मैं, ठीक है, तो मेंबर्स को हम क्या है इसमें, मेंबर्स को अगर मैं कोलेबोरेट करूं इसी टर्म में कि संसद का उच्च सदन हो गया और राज्यसभा में सदस्यों की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम और मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, सॉरी प्रेजेंट में कितने मेंबर्स हैं। वर्तमान में तो ठीक है, वर्तमान में मतलब मैक्सिमम अधिकतम राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं, 250 सदस्य, और इन 250 सदस्यों में से 238 सदस्य ऐसे होंगे जो इलेक्टेड होंगे। इलेक्टेड को हम बोलते हैं क्या, निर्वाचित बोलते हैं, ठीक है, और इसमें से 12 मेंबर्स ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, जिनको हम बोलते हैं दीज आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स, और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं हु नॉमिनेट्स द मेंबर्स, तो देन वी कैन सी दैट द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स द मेंबर, ठीक है। तो मनोनीत सदस्य कितने हो गए, 12। करंट का स्टेटस इसी टाइप से डिसाइड किया गया है कि करंटली या प्रेजेंटली देर आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा एंड इन विच 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इज अ सिमिलर टर्म, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए 12 सदस्य, तो इसमें सिंबॉलिक टर्म वही निकल के आता है कि हाउ मेनी मेंबर्स नॉमिनेटेड इन लोकसभा, तो 2 मेंबर्स इन लोकसभा एंड 12 मेंबर्स इन राज्यसभा, ठीक है। नॉमिनेटेड अथॉरिटी कौन है, जो नॉमिनेशन करता है मनोनीत करता है, तो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। फर्स्ट वाले पार्ट में इन लोकसभा, ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि लोकसभा में 2 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं और वो मेंबर्स का बेस क्या है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यहां पर कितने मेंबर्स नॉमिनेट होंगे, तो यहां पर मेंबर्स नॉमिनेट होंगे कितने, 12, और 12 सदस्यों के नॉमिनेशन का बेस क्या होगा उसको हम लिखते हैं आगे, ठीक है, जल्दी से इसको आप क्लियर करिए। ठीक
देखो यहां पर फिर से उसी ओर चलते हैं कि बेस ऑफ नॉमिनेशन क्या होगा। बेस ऑफ नॉमिनेशन कि मनोनयन का आधार क्या है, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि राष्ट्रपति सोशल सर्विस आर्ट स्पोर्ट्स साइंस लिटरेचर ठीक है लिटरेचर समाज सेवा कला खेल विज्ञान बेसिकली साहित्य ट्रेड व्यापार ठीक है। इन क्षेत्रों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए समाज सेवा, कला, खेल, विज्ञान, साहित्य और ट्रेड व्यापार में अपना बड़ा योगदान देने वाले या अतुलनीय योगदान देने वाले सदस्यों को या लोगों को, जो जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर हैं, उनको खेल के लिए, खेल में उन्होंने क्या है, खेल के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया है, कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, तो उनको शामिल किया गया है। आर्ट में रेखा जी को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स हैं इसमें। क्लियर नहीं है।
ठीक है। क्वालिफिकेशन में आप बस केवल एज याद रखेंगे कि बाकी तो सेम ही रहेंगी सारी चीजें, कि लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितना है 25, मैक्सिमम कुछ भी नहीं। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितना है 30, ठीक है, और यहां पर भी मैक्सिमम कुछ भी नहीं। तो एनी पर्सन विच हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 30 ईयर्स कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इंक डालना जरा इसमें, दोनों का इंक नहीं है इसमें। इज 30 ईयर्स आ जाएगी इसमें, ठीक है, कि 30 ईयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम। अब अगर हम टेन्योर की बात करें कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूंगा एक बार। राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है? नो टेन्योर। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं है, ठीक है, कोई कार्यकाल नहीं। कोई कार्यकाल नहीं का मतलब क्या हुआ कि स्थायी सदन है। जब स्थायी है सदन तो स्थायी सदन का कार्यकाल क्यों होगा? लेकिन इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टेन्योर होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे लोकसभा का कोई कार्यकाल नहीं राज्यसभा का, बट मेंबर्स का टेन्योर है। सदस्य का कार्यकाल होता है लोकसभा, और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर्स, 6 वर्ष। और दूसरी बात यहां पर यह है कि स्टेबल क्यों बनी रहती है, तो यहां पर हम यहां पर लिख लेंगे 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। देखना एक बार, ये क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको जो लिखा है सामने? नमी जी दिख रहा है क्लियर? ठीक है, क्लियर है हिमानी जी। अब अपना कनेक्शन थोड़ा जो नेटवर्क इश्यू है उसको अब सॉल्व आउट करो, ओके ना। ठीक है, तो राज्यसभा को ऐसे डिजाइन किया गया कि राज्यसभा क्या रहे? कंटिन्यूअस हाउस रहे, ठीक है। कभी भी ऐसा ना हो कि सारे सदस्य, अब जब ऐसा होता कि सारे सदस्य एक साथ उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है, एक साथ ही कार्यकाल फिनिश हो रहा है, तब तो
एक बार डिसॉल्व होती है वो, जब भी कार्यकाल फिनिश होता है डिसॉल्व हो जाती है। अब यहां पर क्या है कि भाई हर दूसरे वर्ष 1/3 मेंबर क्या हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो हर दूसरे वर्ष 1/3 और नए भी तो आ रहे हैं उसमें। ऐसे ही क्या है, रेगुलेशन हमेशा साइकिल कैसी होती है, बेसिकली चलती जाती है, ठीक है, ये टर्म्स है। हाँ हाँ पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिर इसको, ठीक है, अब यहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की भी बात कर लेता हूं। कि लोकसभा में दो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी, उसी तरह से राज्यसभा में भी दो कार्यकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, एक को बोलेंगे चेयरमैन, सभापति, और एक होगा डिप्टी चेयरमैन, इसको बोल रहे हैं हम क्या, उपसभापति। तो सभापति के बारे में एक बात आप याद रखेंगे कि 22 प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक है, बेसिकली ये जो है इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह,
उपराष्ट्रपति तो पता है ना सबको कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू। क्लैरिटी में आई थिंक कैमरा फोकस में कुछ प्रॉब्लम है, कनेक्शन लॉस। ठीक है, उपसभापति जो है उनका नाम क्या है? हरिवंश नारायण सिंह। चेयरमैन कौन होता है? वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। करेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद कर रखें। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैंने थोड़ा सा आपको एनालॉजी के बारे में इसको बताया है कि थोड़ा सा बेसिक फीचर क्या है पार्लियामेंट का। ठीक है, तो एक बार सिलेबस को आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेंगे एक बार जो मैंने लिखाया हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू भी था, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू भी है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। तो नेक्स्ट वो बेसिकली हमारा क्लास रहेगा, थोड़ा सा स्पीडी क्लास रहेगा, और इसमें चीजों को क्या करेंगे ठीक तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आज शायद जो भी मैंने चीजें आपको बताई हैं वो बेसिकली आपके समझ में आई होंगे। ठीक है ना, सो देन थैंक यू फॉर इन्वॉल्विंग इन द लाइव सेशन। ओके ओके देन मी सी यू इन नेक्स्ट सेशन ऑफ द क्लास। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।